यूपी सरकार ने सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। जी हां, सपा के गठबंधन का चुनाव लड़ने वाले राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। बीते कुछ दिनों से ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब एक बार फिर से वो चर्चा में छाए हुए हैं, लेकिन इसकी वजह दूसरी और है। वहीं दरअसल गुरुवार को सपा प्रमुख को यूपी सरकार द्वारा वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई। ऐसे में सरकार के इस फैसले को लोग आने वाले समय में राजनीति का रूप देख रहे हैं। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के गठबंधन से लगभग बिगाड़ सा हो गया है, वहीं ऐसे में वो बीजेपी गठबंधन की ओर से रुख कर सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने इस संबंध में कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी संभावनाएं लगातार बीजेपी की तरफ ही जा रही है। लगातार बीजेपी गठबंधन के साथ जाने वाले की खबरों का खंडन करते हैं। वहीं बीते दिनों मीडिया के सवाल पर उन्होंने ये जरूर कहा कि वे बसपा के साथ भी जाने का सोच सकते हैं, हालांकि अभी वो सपा के गठबंधन में है। बता दें कि सुबह सपा प्रमुख को सुरक्षा दिए जाने की जानकारी पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोतले ने दी थी। उन्होंने बताया कि जहूराबाद विधायक ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बाकी आप क्या कहेंगे, किस श्रेणी में या फिर किस तरफ या फिर किस पार्टी की तरफ जाएंगे राजभर, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।